Hello everyone, namaste. This is Tanya Ghosh and you are watching my YouTube channel. Finally, we are at our home. बहुत दिन हो गए, महीने हो गए हम अपने घर पे नहीं थे और अभी आके ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने को है. तो घर में बहुत इधर उधर सब कुछ सामान बिखरा हुआ था, मैंने सब समेटा. बाहर में जो क्लोथ्स वगैरह था वो सब हमने वापस कबर्ड में डाला, थोड़ा बहुत ठीक किया घर का हुलिया. लेकिन ये कबर्ड्स वगैरह जो है ना, ये सब हमें साफ़ करना है, क्लीन करना है. जो हमारा कारपेट है वो 2 महीने से वैसे ही था, वो क्लीन करना है. और हमारा नया सोफ़ा भी आ गया था, हमने वहीं बैठ के ऑर्डर कर दिया था. तो ये सब थोड़ा बहुत डस्टिंग वस्टिंग करना है आज, जिसके लिए मैंने ये अगारो का नया वैक्यूम क्लीनर मंगवाया है. तो हम इससे आज सफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आया है. ये हमारा वैक्यूम क्लीनर का मेन मशीन और इसके साथ ना हमें एक्सेसरीज भी आया है. वी हैव गॉट दिस एल्युमिनियम का पाइप एंड ये इसके साथ अटैच करने का भी है ये शायद. यस, वी विल हैव टू अटैच दिस. एंड इसके सामने वी हैव गॉट ये वाला कॉर्नर क्लीनिंग नोजल. देन वी हैव द कारपेट क्लीनिंग वाला ब्रश एंड वी हैव ये छोटू सा ब्रश भी, जिससे हम कारपेट को या फिर नॉट कारपेट, लाइक कोई भी डस्ट, सोफ़ा, बेड वगैरह कहीं पे भी है तो वो सब हम क्लीन कर सकते हैं. जो भी कॉर्नर या छोटा मोटा जगह जहाँ हमारा ये बड़ा सा ब्रश नहीं जा सकता है उसके लिए. एंड इसमें ना ये वाला स्विच भी दिया है जिससे हम ये एक्स्ट्रा ब्रश निकाल सकते हैं. फील्स लाइक अ सुपर पावर. ओके, तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं अपने कारपेट पे. ये है मेरा नया हथियार घर को क्लीन करने का. इसको सबसे पहले तो अटैच करते हैं. इसका सामने नोजल है, वी विल अटैच टू इट. ओके, ये लॉक हो गया है. लुक्स लाइक अ छोटा सा कार, वेरी हैंडी. और इसका व्हील भी ना 360 डिग्री घूम सकता है. मेरे कारपेट हालत बहुत खराब होके रखा है. वो डिफरेंस दिख रहा है, मस्त. हमारे पास ये एक्सटेंडर भी है जिसके हेल्प से हम बिना झुके भी कर सकते हैं और ये क्लिप दबा के ये और लंबा हो जाता है. ये बहुत लाइट वेट भी है. रात को हम बेला के साथ सोते हैं, दिस इज़ द प्रूफ. लेकिन मैं इसे अपने बेडशीट को छोड़ नहीं सकती हूँ, तो अभी हम ये वाला ब्रश यूज़ करके इसको क्लीन करेंगे. I love how it glides across the bedsheet and the floor mat. It is effortless and I love how it sucks in all the dust. What I appreciate the most is the HEPA filter and the 360 degree wheel, making it all a wonder. Now we are going to open this nozzle. Isko anti clockwise twist karna hai. We are sorted. We are done. You just have to do this and ये हमारा dustbin बाहर आ गया है. So we'll keep this aside. So ये जो नीचे का ये lock दिख रहा है ना, इसमें हमें click करना है तो नीचे का portion खुल जाएगा और जितना भी कचरा इसमें जमा हुआ है we can clean it. ये बेला का stand भी ready हो गया है. ये clamp के वजह से ना it's nice holding it. ये गिरेगा भी नहीं. She's like, खाना भी तो दे दो. ये मेरा और बेला का टावल भी मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि वहाँ से हम ला ही नहीं पाए. बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, लव इट. ये ब्राउन वाला इज फॉर बेला एंड दिस पिंक इज फॉर मी.
हमारे घर पे ना ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया है जो जो हमें चाहिए था। वैसे भी हमें थोड़ा एकदम मिनिमल रखना था, ज्यादा भरना नहीं था, तो सोफा भी आ गया। अब बस बचा है हमारा टीवी, एंड हमने स्कूटी भी ऑर्डर किया है। बस वो आते साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगी कौन सा स्कूटी लिया है। और हमने दो तीन जगह घूम घूम के देखा है एंड व्हाई डिड वी बाय दैट स्कूटी, बट अभी डिलीवरी आने में टाइम है। लेकिन हम अभी जा रहे हैं टीवी देखने की, थोड़ा आइडिया लेना है कितना इंच का लेना है, कौन सा ब्रांड का लेना है। तो विवेक ने तो थोड़ा बहुत सर्च किया ही है, रिसर्च करके रखा है, लेकिन हमें थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकली भी देखना है ताकि आइडिया हो जाए, क्योंकि लैपटॉप वगैरह में ना इतना साइज का पता नहीं चलता है। तो अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं। हाँ, मतलब लैपटॉप या किसी में भी देखो तो स्क्रीन में साइज नहीं पता चलता है ना कि कितना साइज का होगा, तो हम वही करने जा रहे हैं। एंड जो बेला है ना वो मुंह सड़ा रही है बैठ के, क्योंकि उसको अभी हम लेके नहीं जा सकते। यहाँ बैंगलोर में ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा है, अगर आपका खुद का व्हीकल गाड़ी अगर वगैरह कुछ नहीं होना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आ गए हम रिलायंस डिजिटल। कौन सा क्या फर्क पड़ता है? हमने टीवी वगैरह देख लिया है तो अभी भी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है। वो खड़ा हुआ है। आ गया? हेलो। नहीं वो तो नहीं है। सबसे ज्यादा खुश ये लड़की होती है जब भी हम घर वापस आते हैं। इरिगेशन ना गुड करके ये देखिए, देखिए गुड गुड गुड। Go.